दोस्तों आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे डेन जियो सेटअप बॉक्स का। जी दोस्तों, जियो डेन सेटअप बॉक्स का आज हम अनबॉक्सिंग करके आपको बताएंगे। इसमें कौन कौन सी एसेसरीज मिल रही है, क्या प्राइजेस रहने वाली है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि जियो डेन के साथ सेटअप बॉक्स क्यों यहाँ पर हम सबको प्रोवाइड कर रहा है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जहां पर मैंने आपको जियो हैथवे सेटअप बॉक्स का अनबॉक्सिंग करके बताया था। उस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दिया था कि जियो अपने नाम का इस्तेमाल हैथवे के साथ और डेन के साथ क्यों कर रहा है। यहां पर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जियो डेन के साथ, हैथवे के साथ और GTPL के साथ अपने स्टेक खरीदा हुआ है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, मैंने इसके बारे में कई सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए थे। डेन के साथ और हैथवे के साथ जियो ने अपने 16% का स्टेक खरीदा हुआ है, जबकि GTPL के साथ 17% का स्टेक खरीदा हुआ है, जिस वजह से जियो का नाम यहाँ पर काफ़ी होता है, एक बड़ा नाम है और एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में, ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में और केबल इंडस्ट्री में अब जियो का नाम काफ़ी बड़ा हो चुका है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या जियो का सेटअप बॉक्स हमें मिल रहा है तो हैथवे और डेन कहाँ पर गए। तो हैथवे और डेन का केबल आपको मिलेगा, लेकिन जो ब्रांडिंग होगी, जो नाम होगा, वो जियो का नाम होगा। सब्सक्राइबर का बेस बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये अपना नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वाकई ये जियो का है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ नई बातें होगी और कुछ ना कुछ इसमें फ्री में या फिर कुछ नई बातें होगी, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको हैथवे में और डेन में जियो नाम के साथ सेटअप बॉक्स प्रोवाइड किया जा रहा है और ये HD सेटअप बॉक्स है, हाई डेफिनेशन का सेटअप बॉक्स रहने वाला है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन या सिंपल डेफिनेशन का अभी फिलहाल ये सेटअप बॉक्स अवेलेबल नहीं है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो रहने वाली है, मैं यहाँ पर डेन के बारे में बता रहा हूँ, इसकी जो प्राइस रहने वाली है ये 1000 रुपीज़ से लेके 1500 रुपये तक के रखी गई है। हर केबल ऑपरेटर का अपना अलग अलग चार्ज होता है, हैथवे का कुछ अलग चार्ज है और डेन का कुछ अलग चार्ज है। तो इस तरीके से जो प्राइस का जो रेंज रखा गया है, 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक के रखा गया है। आगे हम वीडियो में सेटअप बॉक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि ये डेन का सेटअप बॉक्स है या हैथवे का सेटअप बॉक्स है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जो कि बिल्कुल फ्री है। साथ में जिस तरीके से आपने अपना प्यार दिया था हैथवे जियो सेटअप बॉक्स का वीडियो देखकर, मुझे उम्मीद है इसी तरीके का प्यार आप इस वीडियो में भी देंगे। साथ में ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप यहां पर देख सकते हैं ये जियो डेन जियो सेटअप बॉक्स है और यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है जैसा मैंने आपको अनबॉक्सिंग कर बताया था। हैथवे का प्रिंटेड बिल्कुल वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ कंपनीज का नाम चेंज हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए, विद लव फ्रॉम जियो। अब इसे ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं कि हमें क्या क्या एसेसरीज़ डेन की तरफ से प्रोवाइड की गई है। ये जियो का सेटअप बॉक्स है और ऊपर प्रिंट दिया हुआ है जियो, और लेकिन जब हम इसे अटैच करेंगे केबल के साथ तो वहाँ पर आपको डेन लिखा हुआ आएगा, क्योंकि जो केबल होता है, RF होता है, वो डेन का है। यहाँ पर जो एसेसरीज़ मिली है, सबसे पहले यहाँ पर एडाप्टर है जो कि 12 वोल्ट का एडाप्टर है, और ये बैटरी देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी की EverReady की बैटरी दी गई है। पहले EverReady की नहीं दी जाती थी, पहली मर्तबा आपको EverReady की बैटरी मिली। ये 12 वोल्ट का एडाप्टर है जिसे हम अपने सेटअप बॉक्स के साथ अटैच करेंगे। आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर HDMI केबल है, जो कि 2 मीटर का HDMI केबल कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। और ये इसके बाद अगर हम देखें तो ये रिमोट है, और रिमोट में काफ़ी अच्छी क्वालिटी दिख रही है। और ऊपर की जो साइड में आपको यहाँ पर TV दिख रहा है, हम TV के साथ इसे अटैच करेंगे तो हमें एक ही रिमोट यूज़ करने के लिए मिलेगा। TV के साथ भी हम और सेटअप बॉक्स के साथ भी हम इस रिमोट को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर रेड कलर का R बटन जो दिया हुआ है, ये रिकॉर्डिंग का बटन है, जिसे हम USB अटैच करके रिकॉर्ड कर सकते हैं एक क्लिक के साथ। जियो का यहाँ पर आपको प्रिंट दिख रहा है, पहले यहाँ पर डेन का प्रिंट दिखता था। इसके आगे हम देखते हैं अभी बॉक्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है, क्या क्या चीज़ें इसके साथ अटैच की गई है। इसे हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद देखते हैं कि क्या क्या क्वालिटी हमें इसके साथ मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं,
सेटअप बॉक्स के कलर्स की बात करें तो थोड़ा सा हल्का सा ये ब्लू है और ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक दिखता है, और पीछे का अगर हम देखें यानी जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये क्वालिटी आप देखें, यहाँ पर सामने यहाँ पर कोई भी प्रिंट नहीं है, जबकि हैथवे में यहाँ पर प्रिंट है। आगे मैं आपको बताऊँगा, मेरे पास हैथवे का भी बॉक्स है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रिंट लगा हुआ है। बैक साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको केबल का इन लगेगा, उसके बाद है ये ऑक्स वायर लगेगा, ऑडियो वीडियो और के साथ एक ऑक्स वायर भी आता है, लेकिन कंपनी ने दिया नहीं है। HDMI के साथ यहाँ पर आप पावर अटैच कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर USB है, जो हम कोई भी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना फेवरेट प्रोग्राम या कोई भी मैचेस वगैरह जो भी हमें लगे तो हम यहाँ पर USB में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और जो यहाँ पर ये विंडोज़ दी गई है, विंडोज़ इसके लिए दी गई है ताकि इसकी जो हीटिंग है वो बाहर निकले, गर्म ना हो। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बॉक्स की जो साइज़ है वो भी काफ़ी छोटी है, और हर जगह पर इन्होंने अपना जियो का प्रिंट दिया हुआ है ताकि वो बता सके कि हमारी भी कंपनी में हिस्सेदारी है, साझेदारी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास अभी हैथवे का भी सेटअप बॉक्स है, तो मैं यहाँ पर आपको हैथवे का भी सेटअप बॉक्स दिखाता हूँ कि हैथवे का सेटअप बॉक्स किस तरीके से है। आप लोग कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलकर आपको ये काम आने वाली चीज़ है कि किस तरीके से आप पता लगा सकें कि डेन और हैथवे पहचान कर सके। तो यहाँ पर हैथवे का आप देख सकते हैं लोगो है, और साथ में ही आप को जियो का एक्चुअली ये बॉक्स है, लेकिन हैथवे का भी लोगो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही हम इसे केबल के साथ अटैच करेंगे तो यहाँ पर आप एकदम आसानी के साथ समझ सकेंगे। आप यहाँ पर रिमोट में कंफ्यूज हो सकते हैं, रिमोट अगर आप डेन का भी चाहें और हैथवे का भी चाहें तो एक दूसरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, इस तरीके से आपने डेन जियो सेटअप बॉक्स का अनबॉक्सिंग देखा, आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। साथ में ही मेरी आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा कि फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन किस प्रकार से रहने वाला है, डेन सेटअप बॉक्स का फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन। और साथ में ही मैं आपको जिस तरीके से प्रॉमिस किया था कि हैथवे का भी फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन आपको करके बताऊँगा, दोनों की वीडियो तैयार है, आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसमें पता चल सके कि पिक्चर क्वालिटी क्या रहने वाली है, जियो के डेन सेटअप बॉक्स की क्या पिक्चर क्वालिटी है, हैथवे के जियो सेटअप बॉक्स की क्या पिक्चर क्वालिटी है। ये सारी डिटेल्स आपको आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। चैनल को अभी तक कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जो कि बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।